मेरा नाम एजिन गोयल बालाजी हेयर सॉल्यूशन से। कई क्लाइंटों का कॉल आया है कि जैसे हम लोग आ नहीं पाते हैं और उनको सेल्फ मेथड चाहिए, तो सेल्फ मेथड के लिए मैंने एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें हम आपको सिखाएंगे कैसे सेल्फ मेथड में आप पीस को लगा सकते हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा एक आईपी और आईपी रिमूवर जिसको C22 बोलते हैं, और आपको कॉटन चाहिए होगा और आपको टेप चाहिए होगा, टेप कॉटन टेप जो होगी जो आप लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो पीस होगा इस टाइप का जो पीस रहेगा इसमें चारों तरफ आपको टेप लगानी है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका ये, पहले वाटर डालेंगे, वाटर डालने के बाद इसमें शैम्पू लगाएंगे इस तरीके से। इसको टैंगल नहीं करना है, हाथ से फिंगर नहीं चलाना है। शैम्पू लगाने के बाद आपको ब्रश का अप्लाई करना है। ब्रश का अप्लाई करेंगे तो झाग आ जाएगा, झाग आ जाने के बाद आपको पानी से वॉश कर देना है। पानी से वॉश करने के बाद आपको कंडीशनर लगाना है, कंडीशनर को 2-3 मिनट छोड़ना है। फिर आपको प्लेन वाटर वॉश करना है। वाटर वॉश करने के बाद ये जब तक आपको ब्रश चलाना है जब तक आपका इसका झाग नहीं निकल जाता है। आपको पानी क्लीन कर लेना, पानी क्लीन करने के बाद आपको एक टॉवल लेना है, टॉवल को पानी में एब्जॉर्ब करना है। पानी में एब्जॉर्ब करने के बाद ये आपका ड्राई हो जाएगा। ड्राई हो जाने के बाद इसमें झटके आप दे देंगे। ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं चारों तरफ का, इस बॉर्डर को आपको ड्राई करना है। इस बॉर्डर को जब आप ड्राई करेंगे तो इसमें आपको टेप लगानी है। टेप कैसे लगानी है ये हम आपको बताएंगे। एक फ्रंट का हिस्सा होता है, एक बैक का हिस्सा होता है। तो कैसे पता चलेगा हमें फ्रंट है कौन सा बैक है? फ्रंट के हिस्से में वी शेप होता है और बैक के हिस्से में यू शेप होता है, और लिखा भी होता है पीछे की तरफ। आप देखेंगे अगर ये चुंडी जो होती है पीछे की तरफ होती है, बाकी आगे एक नेट भी होता है फ्रंट पे। तो ये जो फ्रंट का हिस्सा है वी शेप, ये जाएगा नाक की शेप में। तो सबसे पहले हम इसमें टेप लगाते हैं। टेप कैसे लगाते हैं देख लीजिए, गैप दे दे के इसमें आपको टेप लगानी है। कॉटन टेप लेंगे, कैंची लेंगे, थोड़ी सी टेप काटेंगे और इसको गोल शेप दे देंगे। गोल शेप हमें देनी है। आप ये जो बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर से बाहर ना निकले टेप, तो हमें इसे और गोल बनाना पड़ेगा। ये गोल बन गया, ये बॉर्डर से बाहर नहीं निकलेगा, इसको हमें प्रेस कर देना है। ये देखिए गैप दे दे के चारों तरफ टेप लगानी है। जैसे हमने लगाया है टेप लगाने के, ये देखिए लगा दिया। फिर आपको आपको स्केल्प पे अप्लाई करना है। इस पे आप अप्लाई करेंगे तो जो नाक की सीध का जा रहा है, फोर पॉइंट जाएगा नाक की सीध में। तो आप यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे और एक जो फ्रंट का हिस्सा जो मैंने आपको बताया था, वो फ्रंट का वी हिस्सा आपको इस पॉइंट पे आएगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो टेप है इसकी आपको ऊपर की परत निकाल लेनी है, सही रहेगा नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा। हो जाने के बाद आपको साइड में प्रेस करना है, फ्रंट में प्रेस करना है और बैक में प्रेस करना है। जब ये प्रेस कर लेंगे तो आपको ये लग जाएगा। जैसे ये लग गया है, लग जाने के बाद आप इसको गीला करेंगे। गीला करने के बाद आप लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी पार्टीशन जो आपकी लुक है वो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हम 10 दिन और 12 दिन बाद फिर क्या होता है, ये पीस निकल जाता है। 10-12 दिन बाद ये रिमूव होता है। रिमूव होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो चारों तरफ टेप लगी हुई है इसको हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव हो जाने के बाद फिर आपको इसको वॉश करना है। ये जो चारों तरफ का बॉर्डर देख रहे हैं इसको आपको क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए आपको कॉटन लेना पड़ेगा। कॉटन के साथ साथ आपको C22 लेना पड़ेगा। C22 लेके आपको डम्मी पे रखना है, डम्मी पे नहीं है तो ये जो बॉर्डर है चारों तरफ का जो बॉर्डर है आप उसको साफ करना है। जब ये साफ कर लेंगे तो क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो जाने के बाद जो मैंने आपको तरीका बताया है वॉश करने का, शैम्पू कंडीशनर, इसके बाद वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद आपको जो हमने टेप लगा के बताया उस तरीके से आपको टेप लगानी है।
ये सेल्फ मेथड सर्विस है, 10 से 12 दिन आपकी चलेगी सर्विस, इसके बाद आगे खुद से कर सकते हैं, आने की इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमसे मेंटेनेंस लेना चाहते हैं तो हमसे मेंटेनेंस भी दे देंगे, अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हम आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। और अगर अब मेरे साथ पास आप विजिट करना चाहते हैं तो मेरा जो सेंटर है वो बालाजी हेयर सॉल्यूशन सेक्टर 12 गुड़गांव ममता हॉस्पिटल के बगल में है, आप आइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है आप उस पर कॉल करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और जो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा वो मैं आपको भेजता रहूँगा, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।